नमस्कार, आरवी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला संवाददाता लोकेश यादव की बड़ी खबर, तो देखिए पूरा रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरवी न्यूज लाइव SSD देहाती खबर। नमस्कार, आरवी न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 93 में। हम आपको दिखाना चाहते हैं अपने आरवी न्यूज लाइव के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीर, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आज नोएडा ट्विन टावर कैसे मात्र 10 सेकंडों में धराशाही हो गया। और देखते ही देखते यहाँ इस दृश्य को देखने के लिए पूरे नोएडा 93 को एक छावनी में जो तब्दील कर रखा था प्रशासन के द्वारा, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ी इस दृश्य को देखने के लिए और इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए, इस पल को, एक ऐतिहासिक पल को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए पूरी लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आज शासन प्रशासन की मुस्तैदी में जो नमस्कार ऐतिहासिक कदम उठाया गया है उसको नज़र में रखते हुए आज सभी जो बिल्डर्स हैं, उत्तर प्रदेश के सभी बिल्डर्स को एक ये नसीहत मिलेगी कि अगर कोई अवैध और भ्रष्टाचार तरीके से ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण करता है तो उसके साथ भी प्रशासन का चाबुक ऐसे ही चलेगा। आज प्रशासन ने इसको बारूद में तब्दील कर दिया और मात्र 10 सेकंड में वहाँ एक धुएं का गुब्बार ही दिखाई दिया, बाकी वहाँ कुछ नहीं नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे आरबी न्यूज़ लाइव के माध्यम से कि कैसे इस बिल्डिंग को मात्र 10 सेकंड में धराशाही किया जा रहा है। आप हमारे देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मैं नोएडा 93 से लोकेश यादव की रिपोर्ट। तो इसे तो मजा आ गया, जिसका पैसा करते हो भगा रहे। चलो अरे गुड्डी के ये भाई बता सकते, क्योंकि स्टाफ के लोग यहाँ पे करवाने लगे हैं। एक्स्ट्रा नहीं है, बता क्या एक बोतल भी नहीं है यहाँ पे, बोतल लेके जाओ ना गाड़ी से पानी। अरे खराब निकलते निकल लोगे, हम रहने नहीं। अभी भी वो खड़े होके देखो। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।